दुर्गा पूजा को गाइड मैप लगायत कवच एप नया ट्राफिक सिग्नल र ट्राफिक बुथ को आज सिलगढ़ी का पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने उद्घाटन करे। प्राप्त जानकारी अनुसार दीर्घ दिन अघिदेखि स्थानीय मानिसहरूले सिलगढ़ी जलपाईगुड़ी को राष्ट्रीय राजमार्ग को गांडर मोड में ट्राफिक व्यवस्था को मांग गर्दै आइरहेकोले सिलगढ़ी पुलिस कमिश्नरले यसको पहल गरेको छ। उक्त ट्राफिक बुथ को आज पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने विधिवत रूप में उद्घाटन गरेका छन्। यसको साथै कवच नाम गरेको एउटा एप पनि लन्च गरेको छ। उक्त एप मोबाइल में डाउनलोड गरेर राखे कुनै दुर्घटना भएको खण्डमा पुलिसले तत्कालै थाहा पाउन सक्नेछन्। यसबाहेक सिलगढ़ी को दुर्गा पूजा को गाइड मैप पनि आज सार्वजनिक गरियो। यस अवसरमा स्थानीय केही विद्यार्थीहरूलाई स्कूल बैग, गरीब मानिसहरूलाई लुगाफाटा, पैडल भ्यान चालकहरूलाई रिफ्लेक्टर ज्याकेट, बाइक चालकहरूलाई हेलमेट तथा सिभिक भोलिन्टियर्सहरूलाई युनिफर्म प्रदान गरियो। यस अवसरमा सिलगढ़ी मेट्रोपोलिटन पुलिसका एडिसिपी शुभेन्द्र कुमार, डिसिपी जय टुडु, डिसिपी ट्राफिक अभिषेक गुप्त, एडिसिपी पूर्णिमा थामी शेर्पा लगायत अन्य अधिकारी तथा विधायक खगेश्वर राय अनि इलाकाका जनप्रतिनिधिहरू प्रमुख रूपमा उपस्थित थिए। आजका मतलब मेन प्रोग्राम छ एउटा ट्राफिक सिग्नल उद्घाटन। यो जग्गामा ना हाम्रो ब्ल्याक स्पट आछ र अनेक लोटा एक्सिडेन्ट होछ र सो जुन हाम्रो एउटा उद्घाटन होला एउटा ट्राफिक सिग्नल बसाबाट आजके बसी दिछ त आशा गर्छु त हाम्रो एक्सिडेन्ट को कमाता परक। अर्को प्रोग्राम छ आजके कवच को एउटा एप हाम्रो लन्च गर्लो। यो एप बेसिकली जरा जरा विपद आछ त अनि एउटा मैं हो चले होता वॉइस को मनस हो जितना लोग होता अगर तुमने समय पावे ना अपना 100 के डायल करा जाना था सो जो ना एक ऐप ऐप एक बटन अच्छे बटन दूर दूर कम अच्छे एक बटन टैप लेटा कॉल चले जाता पड़ता अंदर डायल एक बटन है मैसेज आ बेटा उस संगे एक जरा टिपा चिटा ना मोबाइल नंबर चले जाएगा प्लस लोकेशन चले जाएगा कंट्रोल दंत के फोन करते भरे यदि फोन सुनते ना पर आटलीस्ट हमारा लोकेशन में जाने था काचे काचे हमारा गाड़ी पूजा तो आशा कर सबा मिले पूजा पीछे पटा।